हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज एक गुड न्यूज़ है, मेरे को इनविटेशन आया है मुंबई के लिए। भुवन बाम की जो वेब सीरीज आ रही है ना, ढिंडोरा, उसकी स्क्रीमिंग है, तो उसके लिए मुझे इनवाइट करा है, जो कि आई थिंक मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देंगे, है ना। कब है? कल है, थोड़ी जाया जाता है बेटा, कल तो हमारी पूजा है घर में। मेरे को पता था नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने उनको हाँ नहीं बोला है। अबा जी, वहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे, एक्ट्रेस भी आएंगे। कल में कैसे पहुँचेगा बेटा? नहीं, फ्लाइट से पहुँच जाते हैं। मम्मी जी, जाने दो। नहीं, कहा ना ऐसे जाना ही नहीं है। बट ऐसे मौके नहीं मिलते ना, क्योंकि स्क्रीमिंग है, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। मुझे बुलाया उन्होंने, जाने दो मम्मी, मजा आएगा मुंबई में, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे वहाँ। बेटा अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा क्रिएटर है, बड़े लोगों से मिलने का समय मिलेगा। कितनी बार बच्चा है तू? अभी क्या है, क्या है? अभी तूने अपना भी तो देखना है ना, घर का नहीं देखना बता। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी ढिंडोरा के स्क्रीमिंग में जाने की। मेरे पास कल रात को उनका मैसेज आया कि आ जाओ, मैं तो खुश हो गया। फिर मैंने सोचा यार मम्मी जाने नहीं देगी, पक्की बात। मैंने सोच लिया था उसी टाइम कि मम्मी जाने नहीं देगी, लेकिन अच्छा लगा कि इनविटेशन आया। आया, वही बहुत है तेरे लिए तो। बहुत क्यों है, देखना बहुत है, देखना कैसे बोल रहे हो, वही बहुत है। बड़ी बात है। तो गाइस, मुंबई जाना तो कैंसिल, मम्मी पापा भेज नहीं रहे हैं फिलहाल, अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट लंच चावल और बड़ी। मम्मी जी जाने दो मेरे को मुंबई। क्या ठहरा कहा बेटा, जाने दो ना, मुंबई जाने का टाइम है ये। टाइम नहीं, कल जाएंगे ना मम्मी, कुछ नहीं होता, मजा आएगा। अरे नहीं जाना ना कल, कहाँ जाएगा कल? कल हमने पूजा करनी है, कोई फिर चले जाएगा, कभी फिर चले जाएगा, क्या हो? फिर कहाँ होते हैं, हम भी आ जाएंगे फिर। फिर नहीं होते ना इवेंट, एक बार नहीं कितनी बार बोलना होगा, जाने दो। फिर जाएगा का मैं में, और सुबह सुबह तेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी, यहाँ से दिल्ली भी जाना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। दिल्ली से फिर वो टिकट, फ्लाइट, उसकी टिकट टाकट कुछ नहीं करना नहीं पड़ती, करा दूंगा वो तुम्हें। अच्छा, हाथ क्या हाथ हो जाती है आजकल? हाँ, हो जाती है। तो फिलहाल अब हम जाते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए पहाड़ पे। और ये देखो अपनी लीज को देख के कैसे उछल रहे हैं कि मुझे डालो, मुझे डालो, डाल दूं? रुक जा, डाल रहा हूँ भाई। क्या हो गया भाई, रुक जा भाई, नाखून मार रहा है। इतना एक्साइटेड होता है ना जाने के लिए बाहर, भाई देखना। चलो चलो, हाँ गुड बॉय। तो ओरियो फर्स्ट टाइम थार में आया, और ये तो यहाँ से भी देख सकता है, लेकिन इसको फील हो रहा है कि ये दूसरी गाड़ी है, ये वो वाली गाड़ी नहीं है। इसके पंजों से सीट कवर फट सकते हैं, बट कोई बात नहीं, नहीं फाड़ेगा ना? नहीं फाड़ूंगा। और ये थार कैसी लगी? मस्त एकदम। और ये को वापस ले जा रहे हैं, इनसे एक ओरियो नहीं पकड़ा जाता है, और ये वापस घर छोड़ दिया इन्होंने। बाय ओलू। तो सबसे पहले तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि ये गाड़ी पेट्रोल में हमने ली थी, इसकी माइलेज लिटरली बहुत कम है, 6-7 की माइलेज दे रही है सिटी के अंदर, तो पेट्रोल तो बहुत खा रही है, लेकिन मजा चलाने में पेट्रोल को ही आ रहा है। हमारे पास एक डीजल गाड़ी होगी, एक पेट्रोल। अरे सीट बेल्ट लगा। अभी देखो मैं थार चला रहा हूँ और पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट है, इतनी साइलेंट गाड़ी है ये, देखो पता ही नहीं चल रहा, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई इंजन की आवाज, बिल्कुल साइलेंट है। मेरे को लगता था कि थार ना काफी आवाज करती होगी, अनकंफर्टेबल होती होगी, बट ये तो काफी कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप भी मार सकते हैं इस पे। तो गाइस, ऑफ रोडिंग तो स्टार्ट हो गई है, लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे, इससे ऊपर नहीं गए थे, आज इससे ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक राइट में जा रहे हैं, एक लेफ्ट में। तो हमको कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट चलते हैं। हमको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, हमको रास्ता दिखा, बस ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पतला होता जा रहा है रास्ता, स्क्रैच पड़ रहे हैं गाड़ी पे ना, पेड़ पौधे लग रहे हैं गाड़ी पे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है ऊपर, हम उधर से आए हैं, हल्द्वानी तो उधर है, चले और ऊपर। यार निशान पड़ रहे हैं गाड़ी पे, कहाँ घुसा दिया अपन ने, ओ भाई पूरा निशान निशान लग रहे होंगे। वापस घुमाओ यार, वापस चलो। तो अभी हमने यू टर्न ले लिया और वापस जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, स्क्रैच लग गए होंगे बहुत, अब दोबारा वही झाड़ी में से जाना पड़ेगा। अरे हाँ, फंस गए। तो फिलहाल फंस गए गाइस, अब हमको करनी पड़ेगी बैक, लेकिन बैक करने में दिक्कत है यार, आगे से गाड़ी आ गई यार, रास्ता है नहीं, वैसे एक गाड़ी निकल नहीं रही, दो गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से। तो गाइस अभी मेरे को गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम अपने पॉपेट करा के वापस जा रहे हैं घर पे, हमें कोई व्यू मिला ही नहीं, बोला ऊपर जाके कोई मस्त व्यू मिलेगा, बट झाड़ियाँ झाड़ियाँ मिल गई,
गाड़ी का और नुकसान हो गया हमारी। तो फिलहाल अभी यहाँ के फेमस मैगी पॉइंट पे रुके हम, इसको मैगी खानी थी। आपको भी खानी थी? मैं नहीं खाऊंगा, मैंने छोड़ दिया भाई। कहीं नहीं छोड़ी आपने? मैंने दो दिन से फास्ट फूड छोड़ दिया गाइस। अभी तो मेरे चिप्स फेल रहे थे। फास्ट फूड छोड़ा है, चिप्स तो खा सकते हैं, चिप्स तो आलू के होते हैं। आलू के नहीं होते हो, मैं तो खाऊं चिप्स। मेरे को बहस मत कर, तेरे को खाने है तो खा ले जाके। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, चाची आप खाओगे ना? चाची भी खा लेंगे भाई। आज जो गाड़ी लगी है स्क्रैच नहीं लगेगा, ये देख पूरे स्क्रैच लग गए। एक दो तीन मैगी, एक प्लेन। भैया तीन मैगी बनाना, एक प्लेन और दो वेजिटेबल वाली। मैं मैगी तो नहीं खाऊंगा, बट मैं सिर्फ लेमन टी पीऊंगा, बिकॉज यहाँ की लेमन टी फेमस है। मैगी और लेमन टी दो चीज़ें फेमस है यहाँ की। तो अभी तो सिर्फ चाचा जी आए हैं यहाँ पे, फिर थोड़े टाइम में चाचा जी चाची और कुनाली को भी ले आएंगे। अभी हम जा रहे हैं कुछ दिनों में गाँव जाने का प्लान है। उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगा शायद दादाजी को, फिर उसके बाद सभी आ जाएंगे। चार कहाँ से आ गई? चार नहीं थी, एक प्लेन दो वेजिटेबल है। हाँ तीन है हमारे। यार एक बात बता दो मुझे, क्या इतनी मैगी खाता कैसे है तू? तेरे को मन नहीं भरता? मैं किसे किसी का मन भरता है? मेरा तो, मेरे को तो देख के अजीब हो गया, इसको रोज रोज देख देख के ही मेरा मन भर गया। इसके लिए बर्थडे पे ना केक बनाएंगे मैगी का। मैगी का वाला केक? हाँ। तू भी कम कर दे खाना भाई। करता हूँ मैं तो, कब से कर रहा हूँ पता है आपको? तो रहने दे, परसों वीडियो में दिख रहा था रात को, बताना कब। रहने दे, कुछ भी मन नहीं होगा तो मैगी बना के खा लेगा बस। जो भी बच्चे मुझे देखते हैं तो इससे इन्फ्लुएंस मत होना, मैगी बिल्कुल बेकार चीज है हमारी हेल्थ के लिए। मैंने तो छोड़ दी है, इसकी भी इनकी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। कल परसों तो खा रहे थे, छोड़ दिए मैंने। दो दिन से मैंने छोड़ दिया सब कुछ, सिर्फ घर का खाना खा रहा हूँ और फ्रूट्स खा रहा हूँ। तो अपनी लेमन टी तो आ गई है, तो लेमन टी तो गाइस काफी मस्त हो रही है, मजा आ गया। तो ये देखो डॉग किस तरह से बैठा हुआ है, लिटरली बांध रखा है। क्या बांध भी नहीं रखा? बिलीव, अरे वाह भाई, बांध भी नहीं रखा उसको। ये होता है प्यार भाई, प्यार नहीं, वो गिर भी नहीं रहा। ओली ने मस्त शंख बजाई आज है ओली। तो फिलहाल पूजा हो चुकी है, अब फिलहाल हम डिनर करेंगे। तो नवरात्रों का कल लास्ट डे है, कल कंजका बिठाएंगे हम। तो अब मम्मी बनाएगी रोटी, सब्जी बनी है यहाँ पे फेवरेट आलू गोभी की, और एक और सब्जी है करेला। और पीयूष कर रहा है अपना होमवर्क, और यहाँ पे चल रहा है आईपीएल मैच, पता नहीं कौन देख रहा है इसको। तो फिलहाल पापा जी ओरियो खाना दे रहे हैं, इनका मैच चल रहा है यहाँ पे। तो आज दूध की जगह चाय आई है, क्यों? सुबह खीर बनाऊंगी ना, कल सुबह खीर बनानी, इसलिए आज दूध बचा लिया मम्मी ने, क्योंकि कल कंजका बिठाएंगे ना तो खीर बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, चाय तो अपनी फेवरेट है। इसको कम कर ले बेटा, सिर दर्द हो जाएगा। नहीं होती सिर दर्द, अरे 25 पे कर रखा है ये देखो, चाहे तो 25 पे है, 25 पे। किसी बार भी कहे मतलब 20 कर, 20 ये एसी का टाइम नहीं है, अब एसी चलाने का, 20 कर। 20 पे क्या होगा, 20 पे और ठंडी हवा फेंकेगा वो। एक्चुअली मम्मी कह रही थी कि एसी मत चला, बीमार हो जाएगा, काफी ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा ठंडा तो हो नहीं रहा। 25 पे करा है मैंने, तो नॉर्मली आई डोंट थिंक कुछ होगा। तो फिलहाल अब मैं फ्री हूँ, अब करते हैं नई ड्राइंग स्टार्ट, जो कि बड़े साइज पे। तो काफी टाइम के बाद इतनी बड़ी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं इतने बड़े पेज पे, और इसको पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे को अभी दिखाओ क्या बना रहे हो। अरे जब बनेगा तब दिखाऊंगा ना। नहीं अभी दिखाओ, अभी दिखाओ। अच्छा चल तू भी देख ले, ये देख। अरे ये तो खाली है, अभी बना ही नहीं ना। तो अभी रात के 1:15 हो गए हैं, थोड़ी बहुत मैंने ड्राइंग बना ली है। और क्या बना रहा हूँ, थोड़ी इमोशनल ड्राइंग सी है, 3 घंटे काम कर लिया। बाय द वे मुंबई जाना कैंसिल हो गया ढिंडोरा के स्क्रीमिंग के लिए। भुवन बाम सर से आज तक मिला नहीं, उनसे मिलना था। आशीष चंचलानी सर और भी काफी क्रिएटर्स बड़े बड़े, अभी बड़ा इवेंट था, बट मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, मम्मी के लिए तो बस, मम्मी को अब कल नवमी है, पूजा है, तो घर में रहेगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मम्मी मना कर रही है। मतलब इतना बड़ा इवेंट है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मम्मी मना कर रही है, कितना फनी लगा होगा उनको भी, बट क्या कर सकते हैं, अब जो है वो तो है। बाय द वे गाइस आप फुल प्यार देना ढिंडोरा को, बीबी की बेंच चैनल पे आएगा, आपको पता ही होगा। और ये ब्लॉग आएगा तो उससे पहले ही आ गया होगा, तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो बीबी की बेंच पे देखना, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, कल आने वाला है। वैसे तो मैं बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ उन सबके साथ में। तो बस फिलहाल मैं इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अभी मैंने एडिट भी नहीं करा, एडिट करेंगे, मैं सोचा थोड़ा बहुत दिखा देते हैं क्या बना रहे हैं, और देखते हैं कब तक बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मम्मी जी को मना कर रखा है ओरियो को दूध मत दिया करो, मत दिया करो। वो पनीर किस चीज का बनता है, दही का? दही भी दूध है।